हेलो एवरीवन। तो भाई आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से लगभग हर एक टीचर बचता है, पर ये एक इतना बड़ा इशू है, ये एक इतना बड़ा डिस्ट्रेक्शन है जो लगभग हर एक IIT जेई और नीट एस्पिरेंट अपनी लाइफ में फेस करता है ना। क्या करें अगर हमको भाई हमारे क्लासरूम में या स्कूल में किसी सुंदर सी क्यूट सी लड़की पर क्रश हो जाए, एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा हो चुका है, जो करंट स्टूडेंट है उनके साथ होता है, और मेरे स्टूडेंट लगभग मुझसे आके हर एक चीज शेयर करते हैं ना। तो भाई हम इसके बारे में बहुत एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, और हम कोई जजमेंटल डिस्कशन नहीं करेंगे ना, हम कोई मॉरल बातें नहीं करेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कल्चर में क्या है, बुक्स ने क्या कहा, नहीं। हम सिर्फ वो बात करेंगे भाई कि हमारे लिए, हमारी IIT जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्या मैं रिलेशनशिप और स्टडी को साथ में मैनेज कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता, उसके क्या फायदे हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं। एंड डोंट वरी यार, मैं तुमसे ये नहीं कहने वाला कि भाई कि 2 साल तुम बस बहुत सारी पढ़ाई कर लो, एक बार IIT में चले जाओ, अच्छी सी जॉब लगवा लो, बहुत सारी सैलरी हो जाए, बहुत सारी सक्सेस मिल जाए, उसके बाद लड़कियां तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ना ना, उसमें तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, है ना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमको लाइफ में हर एक चीज एंजॉय करनी है, और ऐसा होता भी नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बट गर्ल्स आर नॉट आफ्टर योर मनी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो चलो स्टार्टिंग ना थोड़े डेटा और फैक्ट से करते हैं। तो क्या बोलता है डेटा? डेटा बोलता है जब हमारी एज 14 से 24 के बीच में होती है ना, तो जो हमको एड्रेनल रश मिलता है, जो हमारे थॉट्स मैक्सिमम टाइम्स होते हैं ना, जो चीजें हमारे थॉट्स को ऑक्यूपाई कर रही होती है, वो क्या होते हैं? हमारे क्रशेस, हमारा अट्रैक्शन, है ना। मैक्सिमम टाइम हमारे दिमाग में यही चीजें चल रही होती है। क्यों चल रहा होता है? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं ना। वो बायो वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, मेरा तो वो बैकग्राउंड है नहीं। तो बस सबसे पहले तो ये समझना है, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट, राइट? दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं उनसे भागो मत, एम्ब्रेस देम, दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। जो तुम फील कर रहे हो दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना, डेटा और क्या बोलता है? डेटा बोलता है जब हमारी एज 18 से 35 के बीच में होती है ना, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम किस चीज के बारे में हम सोच रहे होते हैं? हमारे थॉट्स ज्यादा ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं ना, हम अपने करियर पे लगे होते हैं, भाई हमको कुछ अचीव करना है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं, हमें सक्सेस पाना है। हर एक अपना अलग अलग होता है ना, कोई IIT बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो हम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं इस एज में। अगर तुम इन दोनों डेटा को देखो तो यहां पर जो एज है 18 से 24 के बीच में ना, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये वो एज होती है जहां पे तुम्हारा दिमाग दोनों डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, लगभग बराबर, है ना। तुम्हें रिलेशनशिप भी चाहिए और तुम्हें करियर भी चाहिए, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि उस समय तुम जनरली होते हो कॉलेज में, है ना, और कॉलेज में लगभग दोनों चीजें पैरेलली चल रहे होते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। अब हम बात करें हमारे बारे में ना, तो हम जो IIT जेई और नीट्स के जो मैक्सिमम एस्पिरेंट होते हैं ना, हमारी एज जनरली क्या होती है भाई? 15 से 17 के बीच में। तो अब तुम कहोगे सर ठीक है सर, तो डेटा बोल रहा है कि भाई करियर वाली उम्र तो 18 साल के बाद चल रही थी, तो हम तो फिर भाई तब अपने स्टार्ट करेंगे। तो यार यहाँ पे ना जब IIT और नीट की बात करते हैं ना, तो हल्का सा चेंज आता है। वो चेंज ये आता है कि भाई हमारे लिए ना ये जो 11th 12th है ना, ये जो 2 साल है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हमारे कॉलेज के टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन 2 सालों में जो हम करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, उससे हमको कॉलेज मिलने वाला है। और एक बार तुम अच्छे कॉलेज में चले गए, किसी IIT में घुस गए, फिर तो लगभग सभी पढ़ाई कर लेते हैं ना, उसके बाद तो मस्ती और सब कुछ चलता रहता है। तो बात ये कि हमारे लिए ये 2 साल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा बोलता है वो बात सही है, पर हमारे लिए जो एज है 15 से 17, जब हम 11th 12th में हैं, उस समय हम करियर को चाह के भी, बाकी लोग कर सकते हैं ना, बाकी के बारे में कमेंट नहीं करा, पर अगर तुम लोग भाई IIT और नीट एस्पिरेंट हो इसलिए तुम मुझे देख रहे हो, तो हम लोग नहीं मार सकते ना, क्योंकि हमारे लिए यही 2 साल है। तो फिर बात करते हैं भाई, तो क्या इन 2 चीजों को हम, रिलेशनशिप और स्टडी को साथ में बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है, तो इस पर भाई डिटेल डिस्कशन और अच्छे से हम समझते हैं। तो अब यहां पे ना 2 तरीके केसेस हो सकते हैं ना। तो केस 1 क्या हो सकता है? बोथ साइडेड, मतलब यू लाइक द गर्ल एंड गर्ल लाइक्स यू बैक, सो इन अ वे यू गाइस आर इन रिलेशनशिप। केस 2 वन साइडेड, ये बहुत खतरनाक वाला केस है और मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है ना, ये एक डेडली केस है। इन दिस केस यू लाइक द गर्ल और मोस्ट केसेस में वो तुम्हें जानती भी नहीं है, और हो सकता है तुमने उससे बात करी हो बट शी डजंट लाइक यू बैक, राइट? तो हम दोनों केस में बताएं करेंगे भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी और तुम्हें क्या करना चाहिए ना।
तो ठीक है, सबसे पहले केस वन की बात करते हैं, वेर यू गाइज आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। तो यार ये बोलना गलत है कि भाई दोनों चीजें स्टडी और रिलेशनशिप साथ में नहीं चल सकती। बिल्कुल चल सकती है ना, इफ यू गाइज हैव ए लाइक गुड रिलेशनशिप, वो लड़ाई झगड़े वाली रिलेशनशिप नहीं, यू गाइज अंडरस्टैंड ईच अदर, तुम दोनों के भाई करियर में गोल्स हैं, तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तुम लोग बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हो, है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज आर स्टडिंग एंड थोड़ा सा वीकेंड वगैरह पे ब्रेक ले रहे हो, तो ये केस आसानी से चल सकता है। बट अगेन मोस्टली इन कॉलेजेस, अगेन जहां हम IIT जे या नीट की बात करें ना, उस पीरियड की बात करें ना, तो वहां पर क्या होता है, मतलब तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुमको ऑलरेडी पता है यार कि कितना होमवर्क होता है, हमको शीट्स कंप्लीट करनी होती है, कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट डिस्कस करने होते हैं, क्लासेस होती हैं, स्कूल्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो इस समय ना, तो वीकेंड क्या है, एक दिन तुम हल्का सा भी टाइम उस चीज में देना ना बहुत मुश्किल होता है। हर एक सेकेंड, हर एक घंटा जो तुम किसी और चीज में दे रहे हो स्टडीज के अलावा, वो तुम्हारी रैंक धीरे धीरे गिरा रहा है। तो यहां पर रिलेशनशिप को टाइम देना ना अफोर्ड करना उतना सही नहीं है, बट अगेन इट्स योर चॉइस। इसके अलावा देखो एक चीज क्या होती है ना, ये जो उम्र होती है ना 15-17 साल की, इसको हम बोलते हैं ना कच्ची उम्र। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस उम्र में हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि हमको सब पता है, वी नो एवरीथिंग। ये जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं ये सारे भाई आउटडेटेड हो चुके हैं, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, ये हमारी दुनिया समझ ही नहीं सकते ना। पर ऐसा होता नहीं यार, जो हम लोग हैं ना, हम तुम्हारी उम्र से होके निकले हैं, हमें हर एक चीज समझ में आती है जो तुम्हारे साथ हो रही, बस इतना है कि उस समय तुम इस चीज को नहीं समझ पाते। हाँ, जब मैं टीनेज में था मैं भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचता था, बट ओवर द टाइम एज आई ग्रू अप और मेरे एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी चीजें फेस करी, सो आई रियलाइज यार दिस इज ट्रू। तो 15-17 ईयर्स की एज में हमको क्या लगता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा है, शी इज द वन, शी इज माई सोलमेट, शी इज एवरीथिंग, भाई इसके लिए तो मैं IIT भी छोड़ दूंगा, इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। बट सच्चाई है भाई, लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये याद रखो, है ना। देयर माइट बी बिट्रेयल्स, देयर माइट बी ब्रेकअप्स, देयर माइट बी हार्ड टाइम्स, और ये होता है। और सोचो अगर ये तुम्हारे एग्जाम से जस्ट पहले हो गया तो, बस बात इतनी सी है भाई, क्वेश्चन यही है कि तुम्हारा IIT और डॉक्टर बनने का सपना कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो? अगर कर सकते हो देन इट्स योर चॉइस। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मेरे लिए भाई मैं 1% भी रिस्क नहीं ले सकता था। तो चलो भाई अब बात करते हैं उस केस के बारे में जो तुम लोगों में से 99% लोगों के साथ है, वन साइडेड लव। तो होता कैसे है ये स्टार्ट, तुम पहली बार उसको देखते हो तुम्हें पसंद आ जाती है, फिर तुम दूसरी बार देखते हो तुम थोड़ा सोचते हो, और फिर ओवर द टाइम ये फीलिंग ग्रो करने लगती है ना। फिर एक समय ऐसा आता है ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि तुम भाई तुम घर पे हो, तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है, तुमने SC वर्मा खोल के रखी है, तुम्हें SHM का क्वेश्चन करना है, तुम SHM का क्वेश्चन कर रहे हो पर दिमाग में वो आ रही है। तो अब इस पॉइंट पे भाई ये तुम्हारी पढ़ाई के साथ इंटरफियर करने लगता है, और ये बहुत से बच्चों के साथ होता है। तो इसको कैसे डील करें, क्योंकि तुम कहोगे सर हमारी तो उम्र ही ऐसी है। देखो ये बात है कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है पर करा जा सकता है, और जो जनरली रैंकर्स होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं वो बच्चे, वो इसको फाइट कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइट करते हैं ना, तो देखो फंडा सिंपल सा है, तुम्हारा जो मोटिवेशन है, तुम्हारा जो मोटिवेशन तुम्हारी ड्रीम के लिए, IIT के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए जो है, तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और अब वो कैसे करें ना, वो क्या होता है, मोटिवेशन भी धीरे धीरे डाउन होता है। तो ऐसा क्या करें कि भाई दिमाग में हर समय वो क्रश आने की जगह हर समय तुम्हारे दिमाग में IIT है, मतलब जब तुम सोते हो तो IIT के बारे में सोचते हो, जब तुम उठते हो तो IIT के बारे में सोचते हो, जब तुम मैस में जाके खाना खा रहे हो तो IIT के बारे में सोचते हो, हर समय तुम्हारे दिमाग में IIT चले। तो इसके लिए जरूरी है हम उस मोटिवेशन को कंटिन्यूअसली रीइन्फोर्स करते रहें। तो इसका एक जो तरीका मैंने यूज करा था, वो कई लोग यूज करते हैं, वो ये है भाई तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, 2 pages लो और 2 pages पे तुम्हें भाई कुछ लिखना है। पहले पेज पे लिखना है वो 10 बातें तुम्हें लिखनी है जो तुम्हारी जिंदगी में बदल जाएंगी अगर तुम्हारा सिलेक्शन IIT या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। दूसरे पेज में लिखो वो 10 क्या चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिल पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी अगर तुम IIT में नहीं जा पाओगे। जैसे कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स कैसे फील करेंगे, क्या तुम्हारा फ्यूचर उतना ज्यादा सिक्योर होगा, या फिर और भी कई बातें, हर एक इंसान के लिए वो बातें अलग अलग होती है ना। या फिर जैसे कि अगर IIT में हो जाता है तो वो IIT के 4 साल जो कहीं और नहीं मिल सकते ना, वो IIT का माहौल, IIT का टैग, वो हाई क्लास एजुकेशन एसेट्रा। तो ऐसी लिस्ट तैयार करो ऐसे अपनी दीवार पे, जहां पर भी तुम पढ़ते हो, जिस टेबल पे पढ़ते हो उसके सामने ये 2 लिस्ट चिपकी हुई होनी चाहिए। अगर तुम इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और इंडी ये जो लिस्ट है वो सिर्फ इस डिस्ट्रैक्शन को नहीं, बाकी भी जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है उनको अपने आप ओवरकम करा देगी।
वो तुम्हें कंटिन्यूअसली मोटिवेट रखेगी, तुम्हें दिखेगा अगर तुम अभी पढ़ रहे हो, अगर अभी तुम आज का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो तो तुम आईआईटी की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी रैंक उठ रही है। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग इधर उधर जा रहे हैं, तुम्हारी रैंक डाउन जा रही है। देखो भाई, मन क्या है, मन का काम ही मचलना है ना, मन इधर उधर भागता है। पर याद रखना, मन और तुम्हारी इच्छाएं तुमको ना कंट्रोल करें, यू आर द ओनर। तो वो मन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। और ये बात सिर्फ आईआईटी में सक्सेस पाने के लिए नहीं है, ये लाइफ में हर जगह है। जब भी तुम्हें लाइफ में कोई गोल अचीव करना है, तुमको अपनी कंपनी खड़ी करनी है, कुछ भी करना है, तुमको सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वो डेडिकेशन चाहिए होता है। वो मूवी याद है ना, अभी आई थी कोई रिसेंटली दंगल करके, राइट? तो था ना उसमें वो बबीता, गीता, तो वो अकेडमी में होते हैं और वो कुछ बाल वगैरह कटा लेते हैं ना। तो क्या था भाई उसका पर्पज, क्या था? अगर उनको उनका भाई सपना था, अगर उनको वो गोल अचीव करना है, तो वो सारे डिस्ट्रेक्शन उस टाइम के लिए छोड़ने होंगे। सेम इज द केस विद यू, कुछ गलत नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। एंड दिस इज वॉट ऑल अदर पीपल डू, सिंगल माइंडेड फोकस होके काम करना, सारे डिस्ट्रेक्शन को कट कर देना। तो भाई मेरा सजेशन ये है, वेट अंटिल यू गेट इनटू सम गुड कॉलेज, वेट अंटिल यू टर्न 18, और बाकी तुम लोग समझदार हो, पर जितना तुम लोगों को लगता है उतने अभी समझदार नहीं हो। सो विद दैट सेड, अंटिल नेक्स्ट टाइम।